हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाइवे इन्जिनियरिङमा चाहिँ पार्ट मा चाहिँ हामीले सैँतिसवटा क्वेसनको साथसाथ नोट्सहरू पनि त्यसमा चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ पैँतिसवटामा लगभग सयवटा क्वेसन जति डिस्कस भएको होला त्यही भएर पार्ट वन हेर्नु भएको छैन भने पार्ट वान हेर्नुहोला र यसमा चाहिँ चालिसवटा अझै चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु क्विक रिभिजनको लागि धेरै नै सपोर्ट हुन्छ एकचोटी एकचोटि पढिसक्नुभएछ तपाईँहरूलाई याद आइरहेको कि एकचोटी एक चोटी हेन होगा इसमें सब इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन होने आज थर्टी एट देखिए स्टार्ट होटी सेवेनसम हमी पार्ट वन में हि 38 मा था थर्टी एट में के होता तो थर्टी एट में केच मिनिम भैल्यू अफ कैम्बर प्रोवाइडेड फर थीन छीन बिटुमिनियस सर्फेस हिल रोड को लगी चाहे कति होता तो बिटुमि सर्फेस हिल रोड बने ये बुझ्ने बितिक टू पोइ पांच दुई पॉइंट पांच पर्सेंट रटी नाइन में के थर्टी नाइन में रहे डिजाइन अफ होजेन्टल एंड भर्टिकल एलाइनमेंट सुपर इलिवेशन साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स इज वर्स्ट इज वर्स्ट इफेक्टेड uh, बाई स्पीड uh, अफ अ वेहिकल कसले इफेक्ट करा तो डिजाइन अफ ओरिजेन्टल एंड भर्टिकल एलाइनमेंट सुपर सुपर इलिवेशन साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स इज वोस्ट इफेक्टेड बाय स्पीड अफ अकल ने इफेक्ट कर अर्क चा चालीस नंबर में के ट्राफिक इंजीनियरिंग ओनली इन्क्लूड्स ए नम्बरमा छ प्लानिङ अफ रेगुलेटरी मेजर्स बिमा छ के त डिजाइनिङ एन्ड एप्लिकेसन डिजाइन एन्ड एप्लिकेसन अफ कन्ट्रोल डिभाइस अनि सीमा छ एनालाइसिस अफ ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक अनि डीमा छ ट्राफिक अपरेसन त यो अल अफ द एभ भनेको के हो त ट्राफिक इन्जिनियरिङ इन्क्लुड यो सबै चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ ट्राफिक इन्जिनियरिङमा प्लानिङ अफ रेगुलेटरी मेजर डिजाइन एन्ड एप्लिकेसन अफ कन्ट्रोल डिभाइस र एनालाइसिस अफ ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक त एकतालिसमा के छ फेरि फोर्टी वन में व्हाइल क्याकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस द ड्राइवर्स आई एबोव द रोड सर्फेस इज इज एज्युम्ड व्हाइल क्याकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस द ड्राइवर्स आई एबोव रोड सर्फेस इज एज्युम्ड वन ए वन पॉइंट टू मीटर व्हाइल क्याकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस ड्राइवर आई कैं मीटर उपमा पनि हामी पार्ट वन में डिस्कस कराया वन पॉइंट टू मीटर हो पंद्रह सेंटीमिटर क्या हो तो चाहे ऑब्जेक्ट को होता तो ट्राफिक सर्वे आर किड आउट टू नौ टाइप अफ ट्राफिक टू डिटरमाइन द फैसिलिटी ट्राफिक रेगुलेसन डिजाइन प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम र डी में छलऑफ दब देश कोई अल ऑफ द्व सही उत्तर बयालीस को डी हो अब तिरचालीस को के रोड फाउंडेशन फर मोडर्न हाइवे कंस्ट्रक्शन वाइज डेवलप्ड बाय The road, the road foundation for modern highway construction was developed by telford and macadam simultaneously road construction for modern highway construction was developed by टेल फोर्ड एन्ड मेकाड्याम साइमल्टेनियसली अब फोर्टी फोरमा के छ विट्स अफ द भेहिकल इफेक्ट द विट्स अफ द के हुन्छ त लेनलाई पनि इफेक्ट गर्छ सोल्जर्सलाई पनि पार्किङ स्पेसलाई पनि अलप टेबो हुन्छ अब फोर्टी फाइभमा छ इन वाटर बोन्ड मेकाडम रोड बाइंडिंग मेटेरियल इज स्टोन डस्ट योभन्दा अघिको लेक्चरमा पनि यसको बारेमा डिस्कस गरिसक्या हो तो इसमें के वाटर बैंड मोकैडम कोई ग्रैवलर में फिर के होता तो क्ले हो रहा के बिटुमिनीस वाला में फिर बिटुमिन बिटुमिन हो बैंडिंग मेटेयल मिनिमम पर्मिशिबल स्पीड अन हाई हाई स्पीड रोड इज डिसाइडेड अन द बेसिस अफ के बाद चाहे होता तो फिफ्टींथ पर्सेंटाइल कोम्युलेटिव फ्रिक्वेन्सी 47 of of upon, surface, tides, अब फोर्टी सेंवेन में के होता तो द एफिशंसी अफ ब्रेक्स अफ अ वेहिकल डिपेंड अपन द एफिशंसी अफ अ ब्रेक्स अफ अ वेहिकल डिपेंड अपन कंडीशन अफ रोड सर्फेस कंडीसन अफ टायर्स प्रजेन्स अफ द सो मोइस्चर तो अल अफ देश इसको सही उत्तर होता अब फोर्टी एट में के मैक्सिम सुपर इलिभेसन अन हिल रोड सुड नोट एक्सिड टेन पर्सेंटा बड़ी होने गए मैक्सिमम सुप सुपर इलिभेसन अन हिल रोड सुड नोट एक्सिड टेन पर्सेंट अब उनचास में के साथ मैक्सिमम सेफ स्पीड अन रोड डिपेंड अन के डिपेन्ड कर on सेफ स्पीड अन रोड of अन टाइप अफ हाईवे टाइप अफ रोड सर्फेस टाइप अफ कर्ब अ साइड डिस्टैंस रही सही उत्तर होशन नंबर फिफ्टी में के साथ इफ क्रस स्लोप अफ अ कंट्री इज टेन पर्सेंट टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट द टेरेन इज क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री इज टेन पर्सेंट टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट द टेरेन इज क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में सोल्जर्स फॉर हाई सोल्जर्स फॉर हाई ट्राफिक वॉल्यूम रोड सुड बी सोल्जर्स फॉर हाई ट्राफिक वॉल्यूम सुड बी के अल अफ दोव इसको सही उत्तर होता बी स्टेबल थ्रू आउट द इयर टू बी यूज बाय वेहीकल इनकेस अफ इनकेस अफ इमरजेंसी सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंड्स अफ कैरिज वे नोट एलाउ इंट्रेन्स अफ द वाटर टू सबग्रेड इसको सही उत्तर डी होल ऑफ द बोव सोल्जर्स फॉर द हाई ट्राफिक वोल्यूम सुड बी 52 52 case of maximum number of passenger car that can pass a given point on a road during one during one hour under the most ideal road way and traffic condition is known as maximum number of passenger car that can pass a given point on a road during an hour under the most ideal ideal way. मस्ट आइडियल रोडवे एंड ट्राफिक कंडिशन इसल बेसिक कैपेसिटी अफ ट्राफिक लेन भाब फिफ्टी थ्री में के एनी ग्रेडिएंट अन अ रोड इज सेड टू बी एक्सेप्शनल एक्सेपनल ग्रेडिएंट यारे में डिटेल में पार्ट वन में अध्ययन कर सको लेस दैन द मिनिमम ग्रेडिएंट और मोर दैन द मैक्सिमम ग्रेडिएंट भो एक्सेपनल ग्रेडिएंट अंतर्गत आ फिफ्टी फोर में के लेंथ अफ द वेकल डज नट इफेक्ट द विट्स अफ द सोल्जर दोल्जर लेंथ अफ द वेकल लेंथ ने कुे इफेक्ट करते हु सोलजर लिट्स अफ द वेकल फेर इफेक्ट कर अब फिफ्टी फाइभमा के छ इन्टरमिडिएट क्याच वाटर ड्रेन आर प्रोभाइडेड ओन्ली इफ एमा छ क्याचमेन्ट एरिया अफ द वाटर सेट एबोभ द रोड इज लार्ज बीमा छ इन्टेन्सिटी अफ रेनफल इज हेभी अनि सीमा छ सिङ्गल क्याच वाटर ड्रेन इज एडिक्वेट अनि डीमा छ अल अफ द देव त्यसको चाहिँ सही उत्तर अल अफ द देव हुन्छ question number 56. of so the gradient along which the vehicle does not require any tractive effort to maintain a specified speed is known as floating gradient. a 11. So gradient along which the along which the vehicle does not require any tractive effort. Does not require any traffic uh, traffic वन यो भाई के भाई त फ्लोटिंग ग्रेडिएंट फ्लोटिंग ग्रेडिएंट आर जनरली प्रोवाइडेड एट समिट कर् में हो अब फिफ्टी एट में द विथ्स अफ द रोड पेमेंट डिपेन्ड अपन के डिपेन्ड कर विथ्स अफ द रोड पेमेंट द विथ्स अफ द ट्राफिक लेन नंबर अफ ट्राफिक र रिथ्स अफ द मेडियन स्ट्रिप ऑल अफ द बस को सही उत्तर हो फिफ्टी नाइन में सैम्बर इज इन रोड पेमेंट कै कैंबर इन पेमेंट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट लाइन मेथड प्याराबोला मेथड स्टेट एट द एजेज एन्ड प्याराबोलिक एट द क्राउन डी अल अफ द एब चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अब सिक्सटीमा छ सिमेन्ट ग्राउटेड पेभमेन्ट इज क्लासिफाइड एज जसलाई चाहिँ सेमी रिजिड पेभमेन्ट भनिन्छ सिमेन्ट ग्राउटेड पेभमेन्ट आउँछ एउटा त्यसलाई सेमी रिजिड पेभमेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ भिटुमिनस पेभमेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ रिजिड पेभमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटबाट बनेको हुन्छ रर्को बीच को सीमेंट ग्रोटेड आँस जिस सेमी रिजिड पेमेंट बनी अब सिक्सटी वन में स्पीड रेगुलेसन अन रोड इज डिसाइडेड अन द बेसि अफ एटी फिफ्थ एटी फाइव पर्सेंटाइल कोमुलेटिव फ्रिक्वेन्सी स्पीड रेगुलेसन अन रोड इज डिसाइडेड अन द बेसि अफ एटी फाइव पर्सेंटाइल फ्रिक्वेन्सी फ्रिकवेन्सी अब सिक्सटी टू में के फोर अ वेहीकल मुविंग विथ अ स्पीड अफ एटी किलोमीटर पर आवर द ब्रेक रिएक्शन टाइम द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ओर्डिनरी केस कति हो टू फाइव टू पॉइंट फाइव सेकेंड हो अब सिक्सटी थ्री में के ट्राफिक मैन ओवर मींस के होता तो डाइभर्जिंग मर्जिंग रसिंग इसक बारे में हम डिस्कस कर सकते थे अब सिक्सटी फोर में के इफ क्रस स्लोप अफ अ कंट्री इज ग्रेटर दैन सिक्सटी पर्सेंट द टेरेन इज क्लासिफाइड एज क्रस स्लोप ग्रेटर दैन सिक्सटी पर्सेंट छिप स्टीप रोड अब सिक्सटी फाइव में के बोटम मोस्ट कंपोनेंट अफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट इसके बारे में पटक डिस्कस कर सक हमी सबग्रेड होटी सिक्स में द डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय द मूविंग वेहिकल ड्यूरिंग पर्सेप्सन एंड ड्यूरिंग पर्सेपन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम the distance traveled uh, by a moving vehicle during perception and brake reaction time is known as lag distance in the lag distance becomes the distance traveled by the moving vehicle during perception and brake reaction time अब सिक्सटी सेंवेन में कती कती के इफ द रेडियस अफ द कर्वेचर अफ हिल रोड यदि फिफ्टी मीटर छ पर्सेंटेज ग्रेट कंसेप द पर्सेंटेज ग्रेट कंपनसेशन सुड बी कति कती होता तो सेंवेन्टी फाइव बाई आर हो सिक्सटी एट में के इन स्कैंटी रेनफल, इन स्कैंटी रेनफल रिजन okay. द क्याम्बर प्रोभाइडेड विल बी फ्ल्याटर हुन्छ निल हुँदैन अब सिक्सटी नाइनमा के छ वेन नम्बर अफ पिन ब्यान्ड आर इन्ट्रोड्युस्ड अ मिनिमम इन्टरभिङ अमिनिमम इन्टरभिङ डिस्ट्यान्स इज बिट्विन इज केप्ट कति हुनुपर्छ त सिक्सटी मिटर वेन नम्बर अफ हेयरपिन ब्यान्ड आर इन्ट्रोड्युस्ड अन अ मिनिमम इन्टरभिङ डिस्ट्यान्स मिनिमम इन्टरभिङ डिस्ट्यान्स इज केप्ड बिट्विन सिक्सटी मिटर Over seventy macasa degree of road curve is defined as the angle uh, is angle. The degree of road curve is defined as the angle in degree subtended at the center by an arc. Ten meter unsa degree of an road curve is identified. Is defined as the degree of road curve is defined as the angle in degree subtended at the center by an arc unsa the ten meter seventy one micro so the ability of driver to stop the vehicle moving. विथ द डिजाइन स्पीड डिपेंड्स अपन के डिपेंड कर द एबिलिटी अफ ड्राइवर टू स्टॉप द वेकल मुविंग विथ द डिजाइन स्पीड बन पर्सेपन टाइम ब्रेक रिएक्शन टाइम इफिशियसी अफ द ब्रेक असनल रेसिस्टेन्स बिट्विन रोड सर्फेस एंड द वेकल तो इसको चाहे ई नंबर होल अफ दे वो पर्सेप्सन टाइम ब्रेक रिएक्शन टाइम जिस इफिशियसी अफ ब्रेक्स भाई रिश्सन रेसिस्टेन्स बिट्विन द रोड सर्फेस एंड द वेकल और इसको चाहिए सही उत्तर ये टू प्रिभेन्ट अ हेड ऑन कोलिजन अफ अ वेहिकल ट्रावलिंग इन अपोजिट डाइरेक्शन एलोंग फोर लेन रोड में चाहता जिस मेडियन अफ द मेडियन अफ वाइड एरिया आर प्रोवाइडेड जसमा के हुन्छ टु प्रिभेन्ट फ्रम हेड एन्ड कोलिजनसँग चाहिँ प्रिभेन्ट हुनको लागि के हुन्छ त अपोजिट डाइरेक्सनबाट चाहिँ हेड एन्ड कोलिजन हुनबाट बच्नको लागि फोर लेन रोड रेडहरूमा बिचमा चाहिँ मिडियन स्ट्रिप राखिन्छ मिडियम अफ द वाइड एरिया आर प्रोभाइडेड जसमा फ्लावरिङ पनि गरेको हुन्छ सेभेन्टी थ्रीमा के छ कस्टमर्स प्रिफर पार्किङ कुन पार्किङ हो त सेभेन्टी फाइभ डिग्री टु एंगल सेवेन्टी फाइव डिग्री टू एंगल के होता कस्टमर कस्टमर प्रिफर पार्किंग और vehicle पार्किंग और देयर vehicle एट सेवेन्टी फाइव डिग्री टू सेवेन्टी फाइव डिग्री होता इसको अवश्य अब लास्ट क्वेश्चन इसको रेक के देश स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डी मे बी कंप्यूटेड फ्रॉम द इक्वेशन जीरो पॉइंट टू सेन एट इंटू भिटी प्लस भी स्क्वायर बाय टू फिफ्टी फोर एफ इसको सही उत्तर होस्त साथी आज को भिडियो हम हाईवे इंजीनियरिंग को थियो यो चाहिँ पार्ट 2 थियो यसमा चाहिँ टोटल मिला हमें इम्पोर्टेन्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट सत्तरी पचहत्तरी वावेशन में टोटल मिलाएर लगभग डेढ़ क्वेशन डिस्कस ठाउँमा त्यही भएर यसमा चाहिँ जति कहीं कहीं थियो सबै यसमा चाहिँ समेटियो र अझै चाहिँ कुनै च्याप्टर को तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला त्यो च्याप्टर को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हस्तो साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ धन्यवाद